चैंपियन ऑफ चेंज एक ऐसा अवार्ड जिससे सम्मानित किया गया है फिल्म अभिनेत्री जूही चावला जी को। कैसा लगता है मैम जब एक गौरव आपको मिलता है लेकिन उसके साथ साथ कंधों पर एक जिम्मेदारी और आ जाती है? आज तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लगता है आज तो मेरी फैमिली मुझे सीरियसली ले लेगी कि विज्ञान भवन में मुझे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी के हाथ से ये सम्मान मिला है, इतनी एमिनेंट जूरी मेंबर्स हैं ये जिन्होंने मुझे इस काबिल सोचा। सो आई कैन नॉट, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे पाँव ज़मीन पर हैं अभी या मेरा सिर अभी कहीं हवा में उड़ गया है। पर आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी हम्बल्ड। एंड जैसा कि आपने कहा, हाँ हम ज़रूर फिल्में में काम तो करते ही रहेंगे, यही एक काम तो आता ही है और करना भी चाहिए। मगर इसके साथ साथ कुछ अच्छे काम जो कि इतने ग्लैमरस नहीं हैं मगर मुझे बहुत उसमें रुचि है, बच्चों के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ख्याल आते हैं, बहुत काम करना चाहती हूँ और करती रहूँगी। हमने देखा है कि जब कोविड चल रहा था उस वक्त आप फार्म हाउस पे फार्मिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आपने दिखाया था और कुछ तस्वीरें भी बाहर आई थी। आप अपने आँख कान सब खुले रखती हैं जी हाँ, फार्मिंग में भी मैं जो भी हो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि विदाउट केमिकल्स, मेरे फादर का फार्म था, उन्होंने वो गुजर गए तो मेरे हाथ में आ गया, तो तब तो मुझे समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। तो ये कुछ शुरुआत हुई कोई 15 साल पहले, फिर संभालते संभालते कुछ समझ में आने लगा, फिर उससे प्यार होने लगा और आज मैं कहती हूँ सबसे जो आसपास के सारे किसान हैं कि चलिए हम यही करेंगे, यू नो विदाउट केमिकल्स, गाय रखो, भैंस रखो, मैन्योर के साथ काम करो, there's lots टू लर्न एंड lots टू डू, बट आई फील दिस इज़ और मैं ये क्यों करती हूँ, मुझे लगता है कि हम बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं। ये हवा, ये पानी, ये बहुत बहुत महत्व की है, उसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे ठीक से नहीं संभाल रहे। सो फॉर देम आई फील दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ व्हाट वी एज पीपल कैन डू फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम करें, चाहे वो सोशल वर्क के तौर पे हो या फिर फिल्मों में, क्योंकि बहुत सारे आपके फैंस हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कब जूही जी पर्दे पर आएंगे। तो एक्चुअली एक तो कमाल की बात है, माधवन जी के साथ ही मैंने कुछ थोड़ा काम किया इसी साल, एक सीरीज़ है रेलवे मैन, तो उसमें मैंने एक थोड़ा गेस्ट अपीयरेंस किया उनके लिए, तो उनके साथ ही किया और आज हम दोनों ही यहाँ पर थे इस अवार्ड के लिए। फिर आगे चलकर एक और फिल्म अभी शुरू कर रहे हैं अप्रैल में, फिर वो बनकर आएगी। सो यू विल सी मी, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ। आती हूँ। आप यहाँ जूही जी को सुन रहे थे, कैमरा अजीत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली।